भोजपुरिया झकास चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। प्रभु, भोलेनाथ, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुहर से छुपी हो, फिर भी हम बताए देते हैं। प्रभु, आज सोमवार है, तुम्हारे व्रत का 32वां सोमवार, लेकिन कौनो चमत्कार नहीं भाई। अगर कौनो छोकरे तुहार व्रत रखत है तो 16 सोमवार में चमत्कार दिखा देत हो, उसको घर और वर दोनों दे देत हो। प्रभु, हमने तुहार का बिगाड़ा है, जो अभी तक हम कुवारे हैं, एक कुवारेपन का दर्द सिर्फ हमें जानत है। प्रभु, हमार सब दोस्तन के ब्याह हो गए, दो दो तीन तीन चार चार बच्चे हैं उनके पास, लेकिन प्रभु हमारे बारे में कुछ नहीं सोचत है। प्रभु, एक बात और बता देते, शर्म आवत है फिर भी बता देते, जब रात को हम सोवे थे ना, तो हमारे पड़ोस की खटिया चरण मरण करत है, तो ये समझ लो हमारे करेजा पर सांप लौटत है। प्रभु, हम ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी सुष्मिता नहीं मांगत है और ना ही रानी चटर्जी नगमा की डिमांड करत है। हे प्रभु, हमें तो काली कलुटी लूली लंगड़ी जैसे भी हो, जिसको कोई ने चाहा था, हम उसको चाहने के लिए तैयार है। बस प्रभु, हमार ब्याह करवा दो। बताओ ना प्रभु, हमार ब्याह कब होई? लोग कहते हैं कि तू पत्थर है। अरे अब हमको भी लागत है तू पत्थर है, तू किसी बात का जवाब नहीं देता। अब तो हम किसी ज्योतिषी के पास ही अपना ब्याह के बात चलाए, अब उसी से पूछा कि हमार ब्याह कब होई। अब हम चलत है हम। जय हो भोलेनाथ की। जात हैं, गौर से देखी पंडित जी, गौर से। हम तो इस कुवारापन से बहुत घबरा गए हैं, ये मैं देखी हमारे जिंदगी में हमारे ब्याह बाग की नहीं। बीरू, तुहार ब्याह का योग तो बनल बाटे। का कहत है, गौर से देखी कब बनत बा? लागत है कि कोनो कोनो कन्या खूबसूरत,
कोनो गली कूची में तो से टकरा जाई। का कहा था पंडित जी, कब कब टकराई? माफ करी, हमारी वजह से आपका फूल गिर गई। फूल तो देवता के चरण में ही चढ़ेला, सो चढ़ गए। ये फूल तो हमरे कदमन में गिर गए, का तो हम कद देवता कहलू? अरे रब्बा, ये का चमत्कार हो गए? चमत्कार ही बा, रात के सपना में भोले बाबा हमसे कहलन कि मंदिर जाए के समय तो के जे के वो पहला इंसान मिली वही से तोहार ब्याह हुई। तोहार ब्याह हमसे? जय हो देवी। आह, ई का करत हवा? पैर पड़े के बा तब भोले बाबा के पड़ी ना। अच्छा चल तनी। सुनी तोहार नाम का बा? बसंती। बड़ा प्यारा नाम बा बसंती। कब मिलबू? पता नहीं, जब भोले शंकर जी चाहिए तब। अच्छा तो हम चलता नहीं। जय भोले बाबा की, तू तो चमत्कार कर देला। सुनी जी कहीं रउआ आपन नाम तो बतौला नहीं? हमार नाम है वीरू। वीरू, बड़ा प्यारा नाम बा। अच्छा हम चलता नहीं। सुनी कहीं अगर बुरा न लगे तो हम आपसे एक बात कहीं। कहीं ना। अगर आज रात का शंकर भगवान तोरे सपना में दोबारा आ जाए ना तो अपन ब्याह के बात जरूर कर ली है और तारीख जरूर पूछ ली है। अगर वो लंबी तारीख बतावे ना तो उनसे विनती कर दी है कि अपन ब्याह जल्दी हो जाए। समझ गई नी का इहे कि रउआ हमार प्यार में जट यमला पगला दीवाना हो गई बानी। रब्बा। मर जाइब हम गुड़ खाके, मर जाइब हम गुड़ खाके, ए गोरी इतना बता दू तू हमके के रहरी के खेतवा में अबो, होठवा से रस पिएबो, रहरी के खेतवा में अबो, होठवा से रस पिएबो। मर जाइब हम गुड़ खाके गोरी इतना बता दू तू हमके के रहरी के खेतवा में अबो, होठवा से रसवा पिएबो, रहरी के खेतवा में अबो, होठवा से रसवा पिएबो। कमरिया तो मनवा में सपिया लोटेला, घड़ी घड़ी तोर सुरतिया मनवा खोजेला, के कमरिया तो मनवा में सपिया लोटेला, घड़ी घड़ी तोर सुरतिया मनवा में खोजेला।
तब तो जाब हम कब ले तू सजवा सजेबू 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 मर जाइब हम गुड़ खाके ये गोरी इतना बता दू तू हमके के रहरी के खेतवा में बो होठवा से रसवा पिएबो रहरी के खेतवा में बो होठवा से रसवा पिएबो बाबा कर दिने अब तो मुरदिया पूरी कृपा से उनके ही देखा हम तो चढ़ाब घोड़े बोले बाबा कर दिने अब तो मुरदिया पूरी कृपा से उनके ही देखा हम तो चढ़ाब घोड़ी अब के फरुनवा में कर भोला जी मांग था थोड़ा चढ़ाई 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 भी मर जाइब हम गुड़ खाके ये गोरी इतना बता दू तू हमके के रहरी के खेतवा में बो होठवा से रसवा पिए बो रहरी के खेतवा में बो मर जाइब हम गुड़ खाके ये गोरी इतना बता दू हमके रहरी के खेतवा में आइबो होठवा से रसवा पिएबो रहरी के खेतवा में आइबो आहा आहा इंजेक्शन ए डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरे आराम से बाबा जी अरे आराम से तो कह रहे हैं निकालेंगे तब ना दर्द कम होगा बाप रे बाप चला उठा उठा बाबू अरे डॉक्टर साहब कितना पैसा तोहरा हो गया 100 रुपया बस एक इंच से 100 रुपया अरे पहला जो आया था उसका आपने 15 रुपए लिया लिए दूसरा मरीज उसका 30 रुपया लिया लिए हमारा कहा है 500 रुपए ले भैया काहे लिए बताते हैं जब पहला आदमी गया पहला मरीज गया ओकरा कुल्हा था इतना बड़ का ता इंजेक्शन लगाए में कोनो दिक्कत नहीं खे तालिए हम 15 रुपया अब दूसरा जब मरीज गया ओकरा कुल्हा था इतना बड़ का साइज टू साइज ता ओकरा लिए भी कोनो ज्यादा दिक्कत नहीं खे ता भैया इंजेक्शन लगाए के बाद हम लिए 30 रुपया लेकिन तोहरा कुल्हा कुल्हा रे इतना बड़का कुल्हा नहीं खे अरे काला पहाड़ बा पहाड़ चल फटाफट निकाल 100 रुपया एक बात बताइए आप बीमारी का इलाज करते हो कुल्हे का करते हो बाबा ए भैया कैसे बताए पगलहा के सब हिसाब किताब देख के ना लेना पड़ता है अरे कतना मेहनत करके घुसा के पड़ा मालूम है करके कैली अंदर फटाफट निकाल और का अरे निकाल फटाफट कितना मेहनत कर रहा है कितना मेहनत कर रहा है कहाँ कहाँ रखता है कहाँ कहाँ डालता है अरे इतना मेहनत करेगा ना तो अंदर से निकले के बजाय कौन और जगह से निकल जाएगा ला 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 हम निकाल देते हैं ला हाँ अरे भैया हमरे बहुत मेहनत की कमाई है भाई अब कौन बात रही आराम से जाके कुल्हा उल्हा के आराम देना अब गरम पानी से सिकाई उकाई करना अरे भैया पैसा तो ले लिए है अब उठा अरे आराम से उठा अरे बहुत दुखा था का भाई अरे सिकाई कर लिया गरम पानी से तली नमक मिला लिया मोटका साला बापू हाँ बिटिया बापू खाना लगा दी नहीं आवत है बिटिया आवत है चला बिटिया चला
आराम से अब खा लेती है, तू जा जा बिटिया। अरे निरंजन, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बच्चे। अरे कौन हरिय बेटी आ गई देख, आई ले दो तीन पुड़िया जाके दे के आओ, जा जा जा। अलख निरंजन। ला बाबा पूरी। पूरी नहीं, हमके तो पूरी बनावे वाली भी चाहिए। बाबा इका करतवा, हमार हाथ छोड़ा। ये हाथ अब ना ही छूटी। बाबा अगर हमार बापू के पता चल गए तो ऊ तोहके मार मार के गंजा कर दी। अगर तोहर बाप गंजा कर दे तो गंजी टाट के ऊपर मालिश तो है के करे पड़े। बसंती बसंती बाबा तू हमार नाम जानत बा? अरे बाबा तो सपदर्शी महात्मा बड़ के तू लुच्चा लफंगा आवारा बदमाश के साथ में ब्याह रचाए वाला बड़ू, ओकर नाम है बीरू। बाबा खबरदार जे हमारे बीरू के बारे में कुछ कहब। हमार बीरू ता नेक शरीफ और सज्जन बा। अरे बाबा हमार नजर से देखी ओकर जैसन शरीफ आदमी इस दुनिया में नहीं खे। वो हजारों में नहीं, लाखों में एक बा। बाबा लाखों में एक बा। तो सच कहत हो बसंती। बसंती तोहर आवाज तक कुछ जानल पहचानल लगत बा। तोहर बीरू। बीरू। अरे बिटिया छोड़ा ना, बापू आ जाएं। चला कोने में चले के। जल्दी से चला। अरे ए बेटी क्या हुआ? बीरू बीरू तू हमार खातर इतना बड़ा खतरा मोल ले लेला। अरे बसंती खतरा तो कुछ नहीं, ये जो अब तक कुआरपन का खतरा हमरे सर पे मंडरात रहल उ झल्ली ओकरे मुकाबले में कुछ नहीं बा। का बताए बसंती, बस ये समझ ला कि सोवत जागत उठत बैठत यहाँ तक कि एक नंबर और दो नंबर जात भी तू ही तू दिखाई पड़ेलू हमके। हमार तो बस बुरा हाल है, अगर हमार ब्याह तो से ना भइल तो हम अपन प्राण दे दे बा बसंती। सुब सुब बोला बीरू, भगवान पर भरोसा रखा, हमार मिलन जरूर हुई। अरे कहाँ रह गई बसंती? डर है इस बेदर जमाने से कहीं हमारे बीच में दीवार न बन जाए। ऐसा कुछ ना हुई बीरू, सबर कर, भगवान पर भरोसा रखा। भरोसा है भगवान पर भी और अपने आप पर भी, और वही भरोसा से कहते हैं कि हमारे प्रीतिया के बीच क्यों खलनायक का बर्दाश्त नहीं कर सकेले। अगर कोनो खलनायक आए तो हम ऐसा तैसे कर दे चाहे वह तर बाप कहना हो। बीरू तू हमार से इतना प्यार करेला? उसे भी ज्यादा। बीरू बसंती हमार बसंती बसंती। अरे बापू। अरे क्या हुआ रे बेटी? बसंती बसंती डॉक्टर साहब देखी ने क्या हो गई बसंती? अरे बसंती के तो बाद में देखा, पहले तो का देखा और ये का नकली। अरे नकली मुझे पाखंडी कहीं का रुका। अरे अरे हमारे कुछ नहीं, हम का डर लागे थे। अरे हम है ना बेटा चल 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 भीतर चल चल आ चल चल पाखंडी ऊपर मत कर। का ससुर ने जमा जमा के मारा है, अगर बसंती के बाप ना हो तो हम ओका खून पी जाते। अरे बिरुआ ये कैसे चोट लागल तोके? का बताएं चाचा, बस ये समझ लो हमार दिल जिगर बस सब 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 कुछ टूटा फूटा पड़ल बा। ओहो तो ये पीरित वीरित का चक्कर लागे है। बताए तो हमारी होए वाली भौजाई कौन बाटे? अरे वह ना डॉक्टर वा, ओकर इकलौती बेटे है बसंती। अच्छा अच्छा, बस ये समझ ला कि उसे हमार नैन लड़ गई। बस ये हाल बाकी खात पियत उठत बैठत सुवत जागत
यहाँ तक कि एक और दो नंबर जात भी वह दिखा ली। अच्छा, अगर हमार ब्याह उसे ना भइले तो हम तो जहर खा ले चाचा। जहर? अबे जहर खाए तोहर दुश्मन, हम लोग दोस्त काहे है। और हम कहूँ हर एक इंसान के कोई ना कोई कमजोरी जरूर हुए, वो डॉक्टर वा कभी जरूर कोई कमजोरी हुए। कमजोरी? वो डॉक्टर के तो एक ही कमजोरी बा। बतावा कौन कमजोरी? औरा मेरारू, मेरारू। अरे हाँ भैया, तहार दोस्त ठीक कह रहल। वो डॉक्टर तो औरतन के इतना रसिया बा, एक बार एक औरत ओकरा दुकान पर टाइम पूछे चली गई। ससुरा इंजेक्शन तो पहले ठोका और फिर टाइम बतावलस। हमरे तो समझ में कुछ नहीं आवत भिक्खू भैया, हम का करी? अरे हाँ, तार दोस्त बाना जाए वो कैसे बात करा जय। अब वह रास्ता निकाली लेकिन वो इस समय हो ही कहाँ। देख जय, तू ही हमार मदद कर सकेला। हम तो को कोई औरत लागत है? लागत नहीं। हाँ, जब लाली पाउडर लगा के चोली लहंगा पहन के जब तू निकला ना, तब माँ कसम कजरारे कजरारे वाली ऐश्वर्या भी तेरे सामने फेल हो जाली। देख भैया, कुछ भी हो जाए मगर ये जॉन कहत वहा कि ठुमक ठुमक के औरत बन के ना, हम चना हुए हम ना ही कर पाए। काम करे के पड़ी। याद है कल जो में जब तू मुमताज बनकर ठुमक ठुमक के चलत रहा तो बुढ़वा प्रोफेसर तौर पर कैसन लाइन मारे लगल। हाय हाय हाय, अरे वो कॉलेज का जमाना था, कॉलेज की बात और थी। पहले हम जरा अट्टे कट्टे थे, तब हमारी जवानी जो थी फड़फड़ा रही थी। अब हमसे ये काम नहीं हो बै, सोच ले। देख जय, हाँ तो के काम तक रही की पड़ी। देख करी बता, तोरे सिवा हमार बाग के है एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आवाला ना। ये तू डॉक्टर के पास चल जा, बस बसंती से हमार ब्याह करवा दे। का करे बुड्ढे के पास जाके, का करे बस बसंती से हमार ब्याह करवा दे। जाके कर ले बुड्ढे जाके बात। अरे हमार लालू करवा दे। अरे जा ले बुड्ढे के पास, हम का फसा था। अरे फोनवे में घुस के मारेंगे दू थप्पड़। पागला कहीं का कुल्हा में इंजेक्शन लगा दे तो दर्द ना होई। डॉक्टर साहब, हमरे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है। अरे सब ठीक हो जा, सब ठीक कर दे। अरे आवा बैठ बैठ बैठ। हाँ, कहा दर्द होत बा यही चीज है। क्या कर रहे हो? ओका है ना डॉक्टर साहब, आज तक हमका कोई मर्द ने नहीं छुआ। तू छुए लता तो अजीब सा करंट लागल है। अरे इलाज करे खातिर छुए के तो पड़ी। एकदम फिकर के कोनो बात नहीं खे, एकदम इंजेक्शन लगा दिए सब दर्द ठीक हो जाए। नहीं, हम इंजेक्शन नहीं लगवाए, हम इंजेक्शन ना लगवाए डॉक्टर साहब, बिल्कुल ना लगवाए तो के हम बता दे ले। हाँ, अरे डरे के कोनो बात नहीं खे, हम इतना प्रेम से घुसा दिए कि कब। अरे इंजेक्शन और का कि कब घुसल कब निकलल पते ना चली। पगलवा डॉक्टर साहब, हमार मातारे हमका मना कैले रहे कि कब केहू से अकेले में इंजेक्शन ना लगवाई हो। वो काहे कि पहली बार हमरे नानी ने कोनो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा ली ला तो उनके 19 से शादी करे के पड़ल। और यही हादसा हमरी अम्मा के साथ भी। अब हमका डर लगत बा कहीं हम आपसे इंजेक्शन लगवा ली था हम के आपसे शादी ना करे के पड़े। चुप रहो, हंसता है बड़ा डॉक्टर साहब। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहा कि हमारे उजड़े चमन में एक ऐसा कली खिल जाए एकदम चकाचक। बहुत नटखट हो तुम पागल। एक बात बोलो सच्ची सच्ची, दिल भी कहता है कि मैं तुमसे इंजेक्शन लगवाऊं। सच्ची? मुझे। अच्छा, अब तो इंजेक्शन लगाई के ही पड़ी तो तैयार हो जाए इंजेक्शन लगावे खातिर। लेकिन सुना हमारी बात पहले, गौर से सुना। लेकिन आज हम इंजेक्शन नहीं लगवाए। काहे? कल लगवाए तो से। का भोइल? आज इंजेक्शन नहीं कल काहे? आज काहन का हमरा व्रत हो। इंजेक्शन और व्रत? हाँ। कल आ जाना। अच्छा 12 बजे? लेकिन पक्का आ जाना 12 बजे। ये बुढ़वा को तोहरा इंतजार रहेगा।
बाय। अरे बाप रे करंट टाटा। कैसा साला बुड्ढा ला टपकाए रहा है। अब देखत रही कि तुम्हार शादी उसकी लड़कन से कैसे ना। अरे बच्चे बोरिया भुला गई फोनवा तो आया था पगला गई का सचमुच का। ए भैया तू रह यहाँ पे। अरे इतना इंतजार तो हम बसंती का माँ का भी कभी जिंदगी भर नहीं किए थे। अरे हमको तो वो गाना याद आ रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक खाली फुकटिए इंतजार करो कमाई रे इंतजार करो हम रोए की होसे। का है ये? अरे डॉक्टर साहब आप तो घर में ही हैं। हम तो आपका दरवाजा बंद समझ के लौट ही रहे थे कि तीन चार आदमी अपने वहाँ पर देखे जैसे जैसे हम घर में लौट गए भैया। हाँ तो बहुत बढ़िया किया मेहरबानी किया। क्या बताओ क्या काम है? अब क्या बताएं डॉक्टर साहब कल सुबह भोर से बहुत बार हमको बखाने आ चुके हैं कम से कम 10-12 बार। हमारे पेट में बहुत गुलर फुलर हो रही है गुलर फुलर। का है भैया कोनो उल्टा सीधा खाना उना खा लिया होगा तो पेट तो गुड़गुड़ाएगा ही। खुदा खुदा हमारे पेट का कोई इलाज व्याज है कि नहीं जरा पेट को लेकर हमारे पेट का हाथ लगाता है कहाँ हाथ लगाता है। अरे डॉक्टर है कोई ऐसे साथ में थोड़ा ही है कहा सब गलत सलत आ जाता है। अच्छा काम करो ये रामलाल। हाँ इलो इले पोड़िया धर ये मैं हचूरन एकदम से सब कुछ ठीक करने वाला इसको पानी में घोट के एकदम से सब ठीक हो जाएगा। कसम खुदा की आप बिल्कुल मजाक करते हैं हम तो आपके पास आए थे वो इंजेक्शन जो बड़ा वाला आप लगाते हैं उसका नाम हमने बहुत सुना है वो इंजेक्शन आप हमारे लगाने का बहुत बड़ा आसान होगा। इले भैया तुमको इंजेक्शन लेना तो अब है क्यों लेना भाई। अरे आज हमारा एकदम पेशेंट मरीज देखने का मूड नहीं कर रहा कोनो और दिन आना जा जा ठीक है बाबू मुन्ना जा जा जा। अरे सरकार की बात तो सुनिए। अरे चुप कितना बोलेगा हम कह दिए ना जा। अरे अरे एक एक अपना हाथ तो अरे फिर हम कह दिए ना जा रे। अरे आप नाराज हो भाई कसम खुदा की। अच्छा चलते हैं भाई कसम खुदा हाफिज। अरे लु 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 का करे का करे पगला कहीं का। बापू का बात बा बापू अभी तक रहुआ खाना ना खैली। अरे वो हम जा रहा कौनो परेशानी बा का? अरे ना ही बिटिया हम कुछ सोच रहे थे। का सोचत हुआ बापू? अरे वो हमारा मतलब है कि हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि कल तुम्हारे शादी हो जाएगी तो ससुराल चल जाएबू तो हमारा का होई। बापू हम भी दिन रात यही सोचत रहिला कि हम जब चल जाए तब तोहार ख्याल के राखी। बापू बुरा न माना ता एक बात कही। हाँ हाँ बोल। अरे हम तुम्हारा कौन बात का कब बुरा माने हैं? बापू तू शादी कर ला। शादी और हम? अरे पगले शादी करना होता तो 20 साल पहले कर लिए होते जब तुम्हारे माँ गुजरी थी। बापू बापू हम जानत हैं तू हमार खातिर काका न कैला पर हमार भी तो तोहार प्रति कौनो फर्ज बा। तो के हमार कसम बापू हमार खातिर तू अपन जीवन साथी तलाश कर ला ताकि ताकि हमको कौनो चिंता ना रहे वरना हमके तोहार कसम बापू हम
हम तोहके छोड़ के कबहू न जाए, हमऊ कबहू शादी ना करब। ए बिटिया ऐसा मत बोल बिटिया, ऐसा मत बोल बिटिया, तू तो रुवा दे लू बिटिया, ऐसा मत बोल। अच्छा बिटिया हम देखते हैं। आइए 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 आइए, यह हमारी बेटी बसंती, नमस्ते करो। नमस्ते। और यह हमारे भतीजे दीवानी, हमार मतलब है वीरानी। नमस्ते 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 नमस्ते। अच्छा ये बताओ, हम के रात के 12 बजे काहे बुलावला? और रात को 12 बजे? अरे हम तो आपका सुबह 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं, हमको लगता है जरूर कुछ सुनने और कहने में कंफ्यूजन हो गया होगा, ये आपके चक्कर में तो हम एक एक मरीज भी नहीं देखे। हमारा तो गाड़ी ही खराब हो गई, अब हमका समझ में नहीं आवत कि इतनी रात का हम मैकेनिक कहाँ से ले आई। हमारे साथ जवान भतीजी बा, रात में कुछ हो गई तो हमने समझ में नहीं आवत का करी। हमने रात में ना ही जाएगी तो रात भर का यहीं रुकेंगे पागल। अरे तो इसमें हरा जी क्या है भाई, रात भी रात का मामला है, कौन कब क्या कर तो कुछ पता है? अरे सवेरे हम मैकेनिक बुला के फर्स्ट क्लास गाड़ी ठीक करा देंगे। अच्छा? फिर आप लोग चले जाइए। का है ना, रात भर हम लोग यहाँ रुके तो आपको कोई कष्ट परेशानी तो ना हुई ना? अरे ले भगवान, काहे का परेशानी, अपना ही घर समझिए। या बसंत बेटिया, हाँ बापू, इनको ले जाके फ्रेश वेश करने के लिए और हम इनका चेकअप करते हैं, आइए। आई हाँ चली। अरे आई। अरे ई का करत है रउआ, दरवाजा बंद काहे करत है? अरे तुमसे मिलने का मजा तो दरवाजा बंद करके ही आवेला ना बसंती। वीरू। अरे देखिए बसंती, तेरे प्यार में इज्जत का सिक्का हो गई, कल का इज्जत और हाथ में लेकर लट खेत में घूमत रहल, आज तोरे प्यार में का हो गई? अरे हम आपके लिए कितना इंतजार किए। हम भी तो सोच रहे थे रात 12 बजे हम घर कहे चले आए इंजेक्शन लगवाने के लिए। आपके प्यार का इंजेक्शन तो पहली मुलाकात में ही लग गया था। हमारे भी देखिए ना, आपके चक्कर में हम कितना बेचैन हैं, सुबह से ना खाए हैं ना पिए हैं। यही तो प्रेम बा, अब देखा ना हमका भी नींद नहीं आवत, रात भर करवट बदलत रही ली, कुछ नजर नहीं आवत, सिर्फ तुम ही तुम नजर आवेलो। सच्ची कह रही हैं आप? अरे बाप रे बाप, लगता है कि 20 साल के बाद ही मुर्दा शरीर में जान पड़ गया है। आजा, आजा। आपका दिल तो जोर जोर से धड़कत बा। सुनो सुनो, ये दिल जो है धड़क धड़क के तुम्हारी नाम ले रहा है फूलबत्ती। हमका आज तक किसी ने इस तरह से नहीं पकड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमरा अकेलेपन का फायदा उठावत बाड़ो? अरे हमने दिल में का है बता दे, दिल में आज का है तू कहे तो हम बता दे, तोरा जुल्फ फिर समारू, तोरे मांग हम फिर से सजा दू, हमरा दिल में आज का है तू ही। तो का सचमुच आप हमरी मांग मत सिंदूर? और का, अब तो बसंती ने भी परमिशन दे दिया है। तो का आप सचमुच अपने चरणों की दासी बनाए बो? दासी? अरे दास तो हम तो हो रहा है रे। तू तो हमरे सपनों की रानी है, रानी। का कह रहे हो तुम? अरे जी तो करता है कि आज तुम्हारे अंग अंग में पूरे बदन में प्यार का इतना बड़का बड़का स्टैंप मार दे, मार ए, आज नहीं छोड़ेंगे रे, आजो रे फूलबत्ती, आजो आजा, आज नहीं छोड़ेंगे रे, आज तो नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ो ना छोड़ो, अरे ना छोड़ो, अरे
देख बेरो तो हमसे कहेगा यहाँ से यहाँ कूद जाए तो हम कूद जाए, तू हमसे कहेगा यहाँ से यहाँ कूद जाए तो हम कूद जाए, तू हमसे कहेगा भुट्टे के चक्कर पड़ा तो हम नहीं पड़ा, तो को मालूम है कहाँ कहाँ डालता है हमके? हाँ हम उसके भुट्टे के चक्कर में नहीं पड़ा, हमका माफ कर दो हम चलते हैं। हाँ हमारी बात हेलो। हाँ बसंती। वीरू कब से तो हर फोन के इंतजार करत रह ली, वीरू कुछ करा? हाँ तू चिंता नहीं कर, हाँ हम है ना। जी बहुत घबरात बा, कहीं ऐसा ना हो के हमार बापू हमार ब्याह कहीं और जगह कर दे। अरे कोनो ताकत हमरे मिलन के नहीं रोक सकेली। हाँ तू आर खूटा तो नहीं कर सकत। का है पंडित जी? तोरे ब्याह में तो बड़बड़ बाधा रही। ऐसा कोनो बाधा बा जगर समाधान नहीं खे। अल्लाह पंडित जी बाधा के साधा साधा। अब तो साधा ही पड़ी, कौनो युक्ति लगावी कहीं पड़ी, लेकिन एक समस्या बाटे। का कौन समस्या? जेवन तोहर ब्याह सवा महीना का भीतर हुई जाए तो ठीक बा, नहीं तो 5 साल तक कौनो योग नहीं लिखल बाटे। 5 साल? बाप रे बाप, ये पंडित जी इस सवा महीना में एकदम ब्याह कैसे हो सकेला? ऊ तू जानो, लेकिन ये बतावा बुढ़ोती में तो ब्याह के कहाँ से जलवा? उका पंडित जी कि बसंती के ब्याह हो जाए तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाब ना, ताकि जिंदगी कैसे काटब इतना लंबा। ई तो तोहर बात ठीक बा, कह तो तोहर जूती। अरे ना ना पंडित जी, आप हमरे खातिर रिश्ता का है, हमरा मतलब हम खुद ही। अरे पहले बसंती का हाथ तो पियर हो जाए। हाँ लड़का वाला का कब बुलाए? जब मन तो अब कल है बुला लाए। और ये लड़का का बाबूजी है? नमस्कार। नमस्ते। वह नाम है कन्हैयालाल मिश्रा। और ही हमार एक लौता बेटा गब्बर। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में, अरे कौनो भी हमारी टक्कर का नहीं है डॉक्टर। आई हमारे बेटी बसंती, नमस्ते कर बेटी। नमस्ते। अरे वो हमारे होने वाले ससुर जी, ये अपनी छोकरिया को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो? जरा दारी के हाथ पांव तो देख, बहुत करारे हैं। अरे एक बरवा। अरे हम अपनी होने वाली जोरू की बात कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं पढ़ाओ। डॉक्टर बाबू बात का है, इकी माई अमजद खान यानी गब्बर सिंह की बहुत बड़ी फैन रही। ये माई जब 16 पिक्चर देख के लौटत रही तो ये पेट में रहा, उसी वक्त पैदा हुआ रहा। इनका तो मजाक मखल करने की आदत था। और सुनो डॉक्टर बाबू, ये रिश्ता का खातिर ज्यादा डिमांड नहीं है, 5 लाख रुपया कैश, एक मारुति कार और 20 तोला सोना और 400-500 बारातियों का खाना, बस ज्यादा ना चाहिए। माफ कीजिएगा, हम एकदम दहेज के सख्त खिलाफ जाने वाले आदमी में से हैं, तो आप जो है अपने सुपुत्र का रिश्ता कौन और जगह लेके जाइए। नमस्ते। नहीं, नहीं। बसंती हमको दे दे ठाकुर। अरे गबरवा, अरे वे बचवा, अरे शांत हो जा, अरे शांत हो जा। हे बचुआ, अरे क्या करता है? अरे जहाँ पर रोकड़ा नहीं वहाँ पर रुकना नहीं। अरे हम तोहर लिए शानदार रिश्ता देखेंगे, शानदार शादी कराएंगे, हमको ये रिश्ता नहीं चाहिए। अरे चल गबरवा, अरे चल। अरे ऐसा कंगाल हम तो का याद रखब ठाकुर, याद रखब तो के नहीं छोड़ब तो के। अच्छा अब हम आओ जात हैं, जात हैं। कब से तुहार फोन के इंतजार करत बानी? हमार जी बहुत ही घबरात बा। अरे तुम चिंता ना कर, हम कोनो न कोनो रास्ता निकाल ही लेबे। गब्बर नाम के केहू देखे खातिर आयल रहल, कहीं हमार बापू हमार ब्याह
ओकरे से ना करवा दे। अरे गब्बर हो या गब्बर का बाप, तू हर तरफ के आँख उठा कर ना देख सकेला, तो सिर्फ पीरू का हुआ पीरू के रह बहू। और जे भी तोरे तरफ आँख उठा कर देखी तो माँ कसम है उस सब के चुन चुन के मर बहे, चुन चुन के मर बहे। पीरू, जय के कोनो पता चलल? अरे हम जय के तो ढूंढत फिरे थे, कभी हर कभी हर गली कुचा में हर जगह ढूंढत है जय के हम, पता नहीं ससुरा कहाँ छुप गई बा। पीरू जल्दी कुछ करा, हम बाद में फोन कर देता हूँ। अरे का बताएं भैया, बहुत मुसीबत पड़ गई, ये बीरू के चक्कर में फंस गए, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हाँ तुम्हार जान तो बच गई, अब हमार जान जाई। अरे ये का बीरू, तू शराब पियत रहा? हाँ हम दारू पिए थे, कल के जहर पिए पड़ल तो वो भी पी ले हम। अरे का बात करता, जहर पिए तुम्हारा दुश्मन? अरे हमार सबसे बड़ा दुश्मन तो ससुरते है। ये लग कर ले बा, तू नहीं चाहो था कि हमार जिंदगी सुधरे, हमार बिया होके, हमारे छोट छोट बाल बच्चे होके, जे तू हमारो दोस्त नहीं रहला, हम तो के का समझ ली और तू कान निकल ला। हाँ ठीक है, हम डॉक्टर बाद तुम्हार बिया की बात कर ले, बात कर रहे थे। सच? अरे तू है तो हमारा सच्चा दोस्त है। अरे करता छोड़, ले ले पी ले, दे दे दारू, दे दे दारू, दे दे दारू। बिल्कुल सही बोला तू, बिल्कुल एकदम सही बोला तू, बहुत असली हली। अब तू हमके एक बात बतावा। अरे तू हमका दो बात पूछ, दो पूछ। हाँ तू ही बतावा कि दुनिया में सबसे बड़ा के है? दुनिया में सबसे बड़ा के है? सबसे बड़ा गॉड है। बता। हाँ हाँ, दुनिया में जो है सबसे बड़ी चीज है वीरु, वो होती है धरती। आए धरती, धरती ना ना ना। क्यों? अगर धरती सबसे बड़ी, हाँ तो शेष ना के फन पे कर खड़ी। अरे हाँ, धरती सबसे बड़ी तो शेष नाक पे शेष नाक। अरे बाप रे बाप, तो इसका मतलब ये हो गया कि शेष नाक जो है सबसे बड़े। ना ना ना, अगर शेष नाक सबसे बड़े हाँ तो फिर शंकर भगवान के गले में क्यों पड़े? अरे ससुरा, तुम्हारे बातों के चक्कर में मैं तो फंस गया। तो इसका मतलब ये हो गया शंकर भगवान सबसे बड़े हो गए। हाँ बोल 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 बोल। ना अगर शंकर भगवान सबसे बड़े तो पहाड़ के ऊपर क्यों खड़े? शंकर भगवान सबसे बड़े तो पहाड़ पे क्यों चढ़े? क्यों चढ़े? क्यों चढ़े? आए। इसका मतलब ये हो गया कि भगवान शंकर जी पहाड़ पे खड़े। जब भगवान शंकर जी पहाड़ पे खड़े आए तो इसका मतलब ये हो गया कि पहाड़ बड़े आए। आए आए ना ना नहीं? ना। अरे पहाड़ का तो हमार बजरंग बली ने ऐसे उठा लिया था। ऐसे उठा लिया था? सही बताइए, ऐसे उठा लिया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके वो जो हनुमान जी सबसे बड़े। अगर हनुमान सबसे बड़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े? अरे बाप रे बाप, अरे तुमने तो हमको दोबारा फंसा ही दियो है। अरे भैया तुम्हारी बात में दम है, तुम्हारी बात में दम, तो ये तो हम पहले ही समझ रहे थे। लेकिन हाँ हम जब भी तो कहें कि जितने भी लोग सड़क पे जात हैं वो आजकल नमस्ते छोड़कर जय राम जी की क्यों बोला था? एक मतलब ये हो गया कि राम जी जो हैं सबसे बड़े हैं। राम जी ना ना ना। अबे बहुत हो गया तेरा गला घोटने का। अरे लल्लू सुन, हम बताता हूँ। हाँ अगर राम जी सबसे बड़े हाँ
तो वन में क्यों पड़े? राम जी वन में रहे तो वन में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सोच इसका मतलब ये हो गया, जो पेड़ पौधे हैं यानी कि जंगल, वो पेड़ पौधे ये सब बड़े हैं। तो तुम्हारा मतलब ये है कि वन पेड़ पौधे ये जंगल ये सब बड़े, तो ये धरती के ऊपर क्यों खड़े? सोच सोच। अरे क्या बात करे भैया, इतनी देर से तू हमको गोल 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 यहीं पे हमको गोल 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 घुमा करके यहाँ खड़ा कर दिया तूने, तो धरती बड़ी हो गई ना। वो तो धरती के बारे हम पहले ही बोल रहे थे, तो धरती सबसे बड़ी हो गई। ना 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 ना, क्या अगर धरती सबसे बड़ी है तो हमारे पैरों तले क्यों पड़ी? अगर धरती सबसे बड़ी तो हमारे पैरों में आए आए आ इसका मतलब तो ये हो गया भैया के सबसे बड़े हम लोग आए आए आइए ससुरा पहले आए आप पीते हैं भैया, बहुत खुशी की बात है, पी लेते हैं सबसे बड़े अब। ससुरा वाह भाई वाह, एक बात बता वीरू भैया, जब से तू बसंती के चक्कर में बड़ा है, बसंती भी तेरे सीने पे लगने के लिए बैठा होती है। दिव्य लौकिक नेत्र बिल्कुल। अरे यार तुम तो बहुत ज्ञानी आदमी हो, तुम्हारा एक पप्पी लेगा, एक पप्पी लेगा, एक पप्पी अच्छे आदमी हो, तुम्हारा बहुत समझदार, तुम्हारा एक पप्पी पप्पी गाल पे पप्पी, बहुत समझदार आदमी है भाई। अब ये बात बता तुमको, तुम्हारा काम तो फिनिश हो गया, अब अपना काम कब फिनिश होगा? अपने को तो भी किसी के साथ चिपका दे यार, हम जाते हैं अपनी उस जूली उशीला ओरानो जमा जाते हैं भैया। अब तीन तीन नहीं, अब एक ही है लेकिन हम चार चार तरीके से पुकारते हैं भैया, अच्छा चलाता है। अच्छा भैया जाता है, हम सब सब बड़ा है। सुना जात समय बुढ़ो से जरूर। अरे तुम उस बुढ़े की फिक्र मत करो, बुढ़े को तो हम समझाए समझे भैया, हम जाता है। ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो, अरे भाई भी बहुत पीली यार। हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, हम तो उस ससुरा के समझावे के लिए इस ससुरा के सामने ये बड़ी बड़ी हाथ डाली। हे भगवान, आप ही सबसे बड़े हैं, हे प्रभु। हेलो जय। हाँ बीरू, क्या बात है? डॉक्टर के पास जरूर चल जाइए भैया। हाँ भैया, वो पहुँच जाए। अब हमारी प्रेम कहानी तो हरे ही हाथ में बा। यार ये बीरू के बच्चों को भी दो चीजें मालूम है, एक वो बसंती और एक वो बुड्ढा। हाँ ठीक है, और सब बात जो है ना हम बाद में करते हैं। हाँ हाँ राम राम डॉक्टर बाबू। राम राम, बैठी डॉक्टर बाबू। की हमार मेहरारू हा? मेहरारू तो हम का करी? अरे डॉक्टर बाबू, अब तोहके तो सब कुछ करे के पड़ी। ला हम, अरे मेहरारू तुम्हारी और करेंगे सब कुछ हम, पगला गए हो का? का हुआ है का? डॉक्टर बाबू एकरा सगरी रात खुजली होत बा। अरे खुजली हुआ कहाँ, ये तो बतावा। सर में और कहाँ। तो जुआ वगैरह हो गया होगा, इंजेक्शन लगाना होगा। ना ना, हम इंजेक्शन ना लगवाए। अरे कुछ ना होई, समझा समझा। इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो का जुओं को एक एक खोज खोज कर इंजेक्शन लगाएंगे? ना, हम इंजेक्शन ना लगवाए। अरे डॉक्टर बाबू काई हो सकेला, तो एकरा बजाय इंजेक्शन हमके लगा दो। ला बीमारी इनको, इंजेक्शन लगाए तुमको, पगला गए हो का? वो पत्नी तो पति के अर्धांगनी उखेले, आ पति पत्नी के एकर दर्द हमसे देखल नहीं जात, इंजेक्शन हमके लगा दो डॉक्टर बाबू। बहुत बड़का पत्नी भगत लगते हो, पत्नी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता का? नहीं डॉक्टर बाबू। अच्छा, तो
इनका बच्चा का तू ही जनेगा रे जी। आ, कुछ नहीं ठीक है, रामलाल से दवाई लेके इनका 3 बार शैंपू से बहुत बढ़िया ढंग से नहला के और पानी में धो के घोट के पिला देना। ये रामलाल डॉक्टर बाबू इनका भी इंजेक्शन लगा दे रे अंदर। डॉक्टर बाबू का ये तो रामलाल सपेरा बा। हाँ। एक बार हमारा घर में सांप घुस गईल। अच्छा यह तो निकलस। अरे डॉक्टर बाबू ये अनपढ़ गवार हमरा के सुई लगाई ऐसन ऐसन आदमी के कंपाउंडर रख ले बाड़ा। अरे नाही रे काहे नहीं समझता है, हमरा जैसे पढ़ा लिखा के संगत में रह के अभी अनपढ़ नहीं रहा। का है कि हमरा डिस्पेंसरी में जब कोई सांप काटा हुआ पेशेंट छटपटाता हुआ आता है तब हमरा इंजेक्शन भी काम नहीं करता है, तब इसका बिन ही काम आता है। समझा ये रामलाल। अरे भीतर ले जाके इंजेक्शन में लगा दो। चला हो। चला हेलो कौन फूलबत्ती। हाँ मैं फूलबत्ती बोल रही हूँ। कैसे रे? मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ। मैंने कल रात एक सपना देखा। सपना? और सपने में तुमको देखा। हमको देखा? अरे हम जानते थे कि हमको देखेगी। क्या केस की है? हम कब पहने हुए थे? साइकिल पे थे कि मोटरसाइकिल पे थे कि कार पे थे? बोल ना। नहीं बताऊंगी मैंने क्या देखा, बस तुमको आना पड़ेगा वो सपना सुनने के लिए। हाँ गार्डन में एकदम धका धक पहुँचेंगे। हमारा से दिल कर रहा है कि फोन में फक से घुसे और धक से वह तो मेरे गोद में गिर जाए। अरे जाना है आज फूलमती से मिलने जाना है। अरे जाना है आज तो फूलमती से। अरे आज फूलमती से मिलने जाना है। आ रहा हूं रे। तो नहीं देखत बा बड़वा चल गए। बसंती बसंती। अरे वीरू वीरू छोड़ा ना, बापू आ जाए तो। अरे बापू नहीं आई, वो तो कहीं गई होई, कहीं इस वीक लड़ावे आवा ना। आओ वीरू हमके डर लागत बा, कहीं बापू आ जाए तो। अरे बापू नहीं आई, वो तो खुद औरतन के चक्कर में रहेला। वीरू तू हमार बापू के बिगाड़ के रहबा। हाँ बसंती वो बिगड़ल के बिगाड़ी, वो तो पहले से बिगड़ल बा। अगर यकीन न होके तो देख लो लीलावती पार्क में जाके, वो फूलमती के साथ में प्रेम गीत गावत होई। लेके नजर के तीर कमा।
के नजर के तीर कमान, अब काले बो हमरी जान। हो लेके नजर के तीर कमान, अब काले बो हमरी जान। यौलू मुहवा में जे पान, कले में अटकल बाटे जान। के ससिया आवत नहीं के हो, जियरा धक धक बोले हो। के ससिया आवत नहीं के हो, जियरा धक धक बोले हो। हाँ पहचान कौन? हट, काहे का बात बड़ी उदास नजर आ रही हैं आप? हम जा रहे हैं। कहाँ? आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या? अरे बाप रे बाप, ऐसे कौन बात होगी कि भाई आत्महत्या करने जा रही हैं? का हो गया? बहुत बड़ी बात हो गई। तुम का पड़ी? तुम का तो कुछ नहीं पड़ी ना। एक मिनट रुको, ये देखा फोटो हमारी सहेली का लड़का का, और इसके माँ बाप दोनों के दोनों एक्सीडेंट में मारे गए, और हमने उनके माँ बाप को वचन दिया था हम तुम्हारे लड़के को पाल पोस कर बड़ा करें, और जब ये 23 साल का हो जाए तो उनकी शादी कर दे। अब ये पूरे 23 साल का हो गए, सिर्फ 10 दिन का ही रह गए, और 10 दिन में इनकी शादी ना हुई तो हम अपनी जान दे दे। जान देने की बात मत करो, मत करो, हमारा जान पहला जाएगा तुम्हारे बात में। बात है, बोलो ना। देखो, अगर तुम वीरू की शादी बसंती से कर दो तो आप चाहे तो हमें आत्महत्या से बचा सकते हैं। हाँ, अरे हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोलो ना क्या बात है। देखो, आपको भी बसंती की शादी किसी से तो करनी है, करनी है कि नहीं करनी? हाँ। तो फिर वीरू से क्यों नहीं? और फिर बसंती भी तो बच्चों की तरह ही है, और हमारी नजर के सामने रहेगी, और वीरू बहुत प्यार से रखेगा, और वीरू से अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीरू और बसंती की शादी के लिए हम एकदम तैयार हैं, लेकिन हम दोनों की शादी का क्या होगा? कैसे बात कर रहे? जब तक उनकी शादी नहीं होगी हम शादी कैसे कर सकते हैं? बताओ, कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब वीरू और बसंती की शादी के चक्कर में हम दोनों की शादी भी एकदम फिट ना? बिल्कुल। हाँ, तो भैया इसमें हमारा एक और शर्त है ना। कैसे बात कर रहे थो? हम तो तोहर खातिर अपनी जान दे सकते, मर सकते है। सचमुच? तो हमारा एक छोटा सा शर्त ये है, जब वीरू और बसंती दोनों का फेरा होगा तो उसी मंडप में हम दोनों का फेरा साथ ही साथ हो जाना चाहिए। वो का इसमें दो फायदा है कि एक ही खर्च में बाप बेटी दोनों निपट जाएंगे। इतनी सी बात, बजवा दो ना शादी का ढोलक। हाँ। संती, तो आके पाके आज हम बहुत खुश हैं। बस इस समझा कि हम सब कुछ पागेली। भोले बाबा से हम काली कलूटी मंगले रहली, लेकिन भोले बाबा तो चांद का टुकड़ा दे दल। जो कुछ मिलल बा जय भैया की बदौलत मिलल बा। बात तू ठीक कहत हो, अगर जय ना हो तो शायद आज हम यहाँ ना होती। लेकिन बसंती, पता नहीं जय का क्या हाल होत होगी। एक बात बोली फूलवती, तुमको देखने के बाद आज हमको बसंती की माँ बहुत याद आ रही है। अरे ये तो का खाता वो? ई है जवानी का दवा, एकदम ताकत तोड़। अरे आजे आजे आजे, अरे हमारे का बहुत तकलीफ हो रही है। जय, क्या हुआ?
अरे तू आ गया ये भगवान हमरा साथ में काका ना हो भैया आपका बताए आए भैया वो हमको कमरे में बुलाए इतना अपना अकेले में हम भाई क्या हुआ जय पूछा था क्या हुआ जैसे ही हम उसका कमरे में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे वो बता रहे कौन कौन थी गोले कौन कौन था कैप्सूल खा के हमारा आए फिकर मत करा जय भैया हमार मोहब्बत मंजिल तक पहुंचल है तो सिर्फ तोहार बदौलत चिंता मत करा जय तुम्हारी कुर्बानी बेकार ना जाए तू अपनी बात मत कर बजती हम तुमसे एक बात कर तो आपको जो अंदर जाके जो तकलीफ हुई है वो तकलीफ तो तुम्हारी माँ को भी नहीं हुई होगी का खबर है पंडित जी कौनो अच्छी खबर नहीं बाटे गब्बर बा का है अरे वो बसंती के ब्याह तो वीरू से होइत बाटे नहीं पंडित बसंती का ब्याह सिर्फ गब्बर से हो सकेला और केहू से नहीं सांभा लांबा छोटू जाओ बसंती को उठाकर यहाँ लेके आओ जाओ संती समझ लगी तो के पाके हम सब कुछ पा गई अब कौन इच्छा नहीं अब हम सोचा था क्या सोचा था हुआ बीरू बस सोचा था कि दो चार साल में दो चार हट्टा कट्टा बच्चा पैदा के ली दो चार साल में हट्टे कट्टे बच्चे हाँ साल का एक एवरेज तो होके के चाहिए ना और अगर मौसम ठीक रहे तो जुड़वा भी हो सकेला तो हमको भी आराम हो जाए क्या बात बा का रोमियो जूलियट की जोड़ी जमल बा कबूतर बाजी खुलल गार्डन में का पहचाने हमका नहीं अरे वो गब्बर आयल रहे रिश्ते के खातिर जेकर भगा दिलास तोहर बाप ने हाँ हम वही हैं उनका छोटा भाई वो हमारे बड़के भैया है केकर खातिर भगा देला हाँ ये लंगों की खातिर का रखा है एकर अंदर हमारे भैया में कौन चीज नहीं बा परेशान करके रखल बाड़े भेजा फिरा के रखल बाड़े भैया ने रात भर सोई देत नहीं खे खटिया से गिर जात बाड़े हमको उठावत बाड़े हगे मुद्दे खातिर हमके टेंशन देके रखल बाड़े खुद लुटा पकड़े बाड़े और इनका कहते तू कर किया का समझ के रखल बाड़े हम सब पागल बानी का दिन भर चिल्लात रहत बाड़े बसंती 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 हाँ बसंती एने नैन मटक का ए भौजी चला ओजी गब्बर तो हर इंतजार कर बाड़े ए बाबा इसे तो हर खोपड़िया में भेजा बा ये निकाल दी ये ससुर बड़ा खतरनाक आदमी बा गोली मार के पूछे के मरलस समझा रे ए चल चल अरे परम जादू एक एक चुन चुन के मारो बसंती हम तो से कल रली ना कि बसंती सिर्फ गब्बर का हो सकेली और केहू के नहीं गब्बर अगर तू बसंती को छुए के कोशिश कैला तो हम तोहार खून पे जाए जी तो चाहत बा कि रिवाल्वर का छह का छह गोली तोरे खोपड़ी में उतार दे बहुत याराना लगता है क्यों हम एका तो छोड़ देंगे लेकिन हमरी भी एक शर्त है जरा दो चार ठुमके हमका भी दिखाओ रानी नहीं बसंती इन कुकुरन के सामने मत नाची हाँ नाची ये जरूर नाची और गब्बर खाली नाची ना ही बिरू गाय भी अगर तू एकरे बीच में टांग अड़ाव के कोशिश कैला तो हमारा आदमी तुहार खोपड़िया उड़ा देंगे नहीं छोड़ दा इनके अब एकर जिंदगी के फैसला तोरे हाथ में बा बसंती बोल का हम के नाच गाना दिखाई भी या पै भी बदले में मौत बोलो हम नाचब अब आई खेल का मजा नाचो
जानी जानी तोहर पायल बटे नहीं जवानी पर गोरी ते कह महुत है राजा जानी कैलस तो एक एक की खुपड़िया उड़ा दे हम। गब्बर सिंह, सोलह हिंदी में बने या भोजपुरी में, जब जब ये सोलह बनी तब तब ये जाए बसंती और बीरू को बचाने के खातिर आवत रही। बसंती जगती हाँ तू
के चल यहाँ से। आप बसंती जल्दी बैठ मोटरसाइकिल के पीछे चला चला चल चला जय।